प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर एसपी नेता राजेंद्र चौधरी का विवादित बयान, दोनों को बताया आतंकवादी, बीजेपी ने जताई कड़ी आपत्ति। दोनों आतंकवादी नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। के भेदभाव वाले बयान पर सियासी घमासान, कांग्रेस एसपी ने किया तीखा वार, फतेहपुर में मोदी ने कहा था रमजान पर बिजली तो दिवाली में भी आए। जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बड़ा विवाद, मदनी ने कहा था जिस घर में टॉयलेट न हो मौलवी और मुफ्ती वहां निकाह पढ़ने ना जाएं। यूपी के रण में आज पीएम मोदी और राहुल आमने सामने, जालौन के उरई और इलाहाबाद के फूलपुर में प्रधानमंत्री मांगेंगे वोट, इलाहाबाद के हंडिया में राहुल गांधी का रोड शो। फिरोजाबाद के टुंडला रेल हादसे में एक्शन, कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर समेत दो लोग सस्पेंड, मालगाड़ी से टक्कर के बाद पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरे थे चार डब्बे। कब रुकेगी हर्ष फायरिंग, संभल में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में तीन लोग घायल, एक की हालत गंभीर, दूल्हे के पिता ने देसी तमंचे से की थी कई राउंड फायरिंग। और आज से बचत खाते से हर हफ्ते निकाले जा सकेंगे 50,000 रुपए, अभी तक 24,000 रुपए निकालने की थी साप्ताहिक लिमिट, 13 मार्च से हट जाएंगी सारी पाबंदियां।